अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। पलवामा हमले की मुबैना टेप लीक करने वाले भारतीय शहरी ने इंकशाफ किया है कि मोदी अजीत डोवाल हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने हमें $1,40,000 दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी ओवी दंदियाल ने मोदी सरकार के खिलाफ एक और इंकशाफ कर दिया है। ओवी दंदियाल का कहना है कि मोदी अवाम के पैसे लूटकर हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय शहरी ओवी दंदियाल ने कहा कि मोदी ने हमें जबान बंदी के लिए $1,40,000 दिए। वाजे रहे, भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी सियासत के बायस मोदी ने पाक भारत कशीदगी को हवा दे दी और पलवामा हमले के ताने बाने भी मोदी सरकार से मिल रहे हैं कि अब तक के तमाम बयानात और शवाहद से यही जाहिर हो रहा है कि पलवामा वाकया मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए करवाया ताकि पलवामा का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर सके और फिर इसका सियासी फायदा उठाकर इलेक्शन जीता जा सके। पलवामा वाकये का पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करके भारत ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमन का पैगाम दिया गया, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा और पाकिस्तान पर मुसलसल चढ़ाई करते रहे। LOC पर कशीदगी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के हदूद के खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तानी इलाकों में बम फेंका कर उनके तैयारे पाक फजाया के बरवक्त पहुंचने पर भाग निकले, लेकिन भारत को इज्जत रास ना आई। इसी तनाजिर में भारतीय तैयारों ने फिर पाकिस्तानी हदूद के खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानी फजाया ने चंद लम्हों में ही 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। ताहम पलवामा से शुरू होने वाली कशीदगी अब तकरीबन कम हो चुकी है। ताहम हकैक मुसलसल ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा करता रहा। इस झूठ का इंकशाफ भारतीय BJP के रहनुमा ओवी दंदियाल ने एक मुबैना टेप में भी किया कि पलवामा मोदी सरकार ने खुद करवाया। ओवी दंदियाल ने एक और इंकशाफ किया कि मोदी हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने हमें जबान बंदी के लिए $1,40,000 दिए। ताहम भारतीय मीडिया और मोदी सरकार के झूठ पर मबनी प्रोपोगंडे का हर सिमत हशर नशर जारी है।